कोरोना वायरस के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान में देश ने एक नया कीर्तिमान दर्ज किया है। जनवरी 2021 से शुरू हुए वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत अब तक भारत ने अपनी 75% व्यस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये खुशखबरी रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांडविया के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए देश को इस उपलब्धि की बधाई दी। जी हाँ, आपको बता दें, सभी वयस्कों में से 75% आबादी का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हमारे देशवासियों को बधाई। उन सभी पर गर्व है जो हमारे टीकाकरण अभियान को सफल बना रहे हैं। गौरतलब है कि भारत समेत दुनिया के कई देश पिछले 2 वर्षों से कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप झेल रहे हैं। वर्तमान में भारत कोविड-19 की तीसरी लहर से गुजर रहा है। हालांकि टीकाकरण की बदौलत इस बार महामारी ने दूसरी लहर जितना आतंक नहीं मचाया। देश में 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। हालांकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की अनुमति 1 मई 2021 से दी गई थी। फिलहाल देश में अब 165 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश की 75% वैश्विक आबादी अब डबल वैक्सीनेटेड हो चुकी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सबका साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत ने अपनी 75% वैश्विक आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। कोरोना से लड़ाई में हम निरंतर मजबूत हो रहे हैं। हमें सभी नियमों का पालन करते रहना है और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।